तो कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर में भी नाइट कर्फ्यू का असर देखा गया। एबीपी गंगा संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मौजूद हूं, जहां पर नैनीताल और दिल्ली हाईवे है ये, जहां पर नाइट कर्फ्यू का पुलिस कर्मियों द्वारा पालन कराया जा रहा है और जो भी देर रात निकल रहा है उनको पुलिस कर्मियों द्वारा समझाया जा रहा है। रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर और डीडी चौक पर पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त की जा रही है और गाँव जो और क्षेत्र हैं, जो मोहल्ला के क्षेत्र हैं, वहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त करके लोगों को अनाउंस करके बताया जा रहा है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से, आपको बता दूं कि पहले ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया था और अब कल 3 और मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। इसको देखते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब 4 मामले उत्तराखंड में हो गए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है और रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय रुद्रपुर के जो दिल्ली नैनीताल हाईवे है उस पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं टाइम जो इस समय है, ये 12:15 हो गया है और 12:15 में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लॉकडाउन का जो है यहाँ पालन नाइट कर्फ्यू का है वो पुलिसकर्मियों द्वारा करवाया जा रहा है। और अब आखिर इस नाइट कर्फ्यू का असर कितना देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और या फिर सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब इस जो नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है सरकार द्वारा कितना कड़ाई से पालन पुलिस करवाती है ये भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए आप एबीपी गंगा। ये थी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, कैमरामैन दीपक कुकरेजा के साथ मैं विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर।